हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि रेशम क्लासेस इग्नू। आज की सबसे बड़ी अपडेट कि आपका हॉल टिकट आ चुका है, फाइनली वो लिंक आ चुकी है जिसका इंतजार आप सबको है। चलिए जानते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप सबको पता है या फिर आपने कई और चैनल्स में देख चुके होंगे कि आपका हॉल टिकट रिलीज हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हर कोई दे रहा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो किसी ने नहीं कही है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं ना, तो शायद आपको एग्जामिनेशन हॉल से रो के वापस आना पड़े, जो कि मैं नहीं चाहती। हर एक स्टूडेंट का एग्जामिनेशन अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से किए होंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी तैयारी 100% नहीं है, ऐसा आपको लगता है, बट आपको ये सोच के नहीं चल रहा है, आपकी तैयारी 100% है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाइए एग्जामिनेशन से पहले, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, ये लिंक जो है वो फर्जी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं, फर्जी होते हैं। तो यहाँ पे 100% ट्रूथ और सच्चाई की गारंटी है कि ignu.ac.in से आप जाके अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, ignu.ac.in पे जाके आपको हॉल टिकट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके हॉल टिकट के लिए एक हाईलाइट हो रहा है लिंक, यहीं से जाके आप डाउनलोड करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। अब कौन से ऑप्शन से आपको करना है अपना हॉल टिकट डाउनलोड, ये भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है जो कि मेन लिंक है, और दूसरा है अल्टरनेट या सेकेंडरी लिंक। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पे जो सर्वर है ना, ओवरलोडेड के वजह से थोड़ा डाउन हो जाता है, इस वजह से दूसरी लिंक भी आपको दी गई है। दोनों लिंक सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिंक सेम टू सेम है। आप अपने किसी भी लिंक से आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा अपना 9 डिजिट का, जो कि आपका ये है, ये आपको 9 डिजिट का जो कोड है उसे आपको डालना होगा। तो जैसे आप इसे डालते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, जैसे कि BAG, और सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है, इसको आपको करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे अपना जो है हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, वैसे ही आपके पास यहाँ पे आपका हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट की जाँच कैसे करें और क्या है इम्पॉर्टेंट निर्देश, इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। जो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, काफ़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं है, या फिर उन्हें ध्यान में ही नहीं रहता, या फिर कोई बताता नहीं है। बट मैं हूं ना, जो आपको सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। जैसे आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, तो इस बार हॉल टिकट कुछ अलग आया है। कहने का मतलब, इस बार आपको फोटो के साथ आपको हॉल टिकट दिया जा रहा है। जो भी आपने फोटो अपडेट की होगी, वही फोटो आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ ही आपको यहां पर दिया गया है एक कोड। ये कोड क्या है, जो आप सिग्नेचर करते हैं ना, जो आपका रियल सिग्नेचर है, वो इस कोड से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये QR कोड है, इसी से पता चलेगा कि आपका जो है सिग्नेचर सही है या नहीं, आप सही कैंडिडेट है फिर या नहीं। कई बार ऐसा होता था, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, लेकिन ये इसके पीछे इग्नू ने ये जो काम करा है बिल्कुल ही सही करा है। यहाँ पे बात करती हूँ कि जैसे ही आपके पास आपका एडमिट कार्ड आता है ना, आप इसे डाउनलोड कीजिए, लेकिन सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद या फिर डाउनलोड करने के बाद। इम्पॉर्टेंट यही है कि क्या आपका हॉल टिकट सही है। इसकी जांच कैसे करें, यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको दिया गया है कि आप अपना जो हॉल टिकट है उसे ज़रूर चेक करें, और इसकी वैलिडिटी को ज़रूर चेक करें। ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या क्या चेक करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपना इनरोलमेंट नंबर जो है उसे चेक कीजिए, उसके बाद अपना कोड जरूर चेक कीजिए, प्रोग्राम कोड, उसके बाद अपना नाम, और जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर का कोड ज़रूर चेक कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। एड्रेस और कोड मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड अलग दे दिया जाता है और एड्रेस अलग दिया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है। तो आप अच्छे से ज़रूर चेक कीजिए कि क्या ये गलत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने एग्जामिनेशंस के पेपर के सेक्शन में, कि आपका पेपर जो है वो कब है, कैसे है, कब जाना है। इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा हॉल टिकट, क्योंकि बहुत डिटेलिंग से इन्होंने सारे काम किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सके, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है। डेट पूरा कम्प्लीटली दिया गया है,
सेशन के बारे में और टाइमिंग बहुत अच्छे से दे दी गई है। सो चलिए जानते हैं। आपको चेक करना है कि आपका जो कोड है, सबसे पहले एग्जामिनेशंस का कोड, उसके बाद उसका सेशन और उसके बाद उसकी डेट, और एग्जैक्ट डेट को आपको डेट शीट से मैच करना है, चेक करना है कि जो डेट शीट यहाँ हॉल टिकट में दी गई है क्या वही डेट शीट आपके एग्जामिनेशन के डेट शीट में है फिर या नहीं। हो सकता है मिस प्रिंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि एक भी रिस्क आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग चेक करनी है। टाइमिंग आपको 10 से 11 यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में दिया गया है। 2 से 5 का मतलब आप समझते हो, 2 से 5 बजे तक आपके एग्जामिनेशन होगे, 2 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचते हैं तो एक बार आपका क्वेश्चन पेपर बढ़ जाने के बाद आपको 15 मिनट तक की वैलिडिटी दी जाएगी। यानी अगर आप किसी कारणवश लेट हो गए एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचने में तो आपको 15 मिनट की छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बाद एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद आओ और आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, जैसे कि सारे जो प्रोटोकॉल्स थे ना पेंडेमिक के, COVID-19 के, वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ भी यूज़ किए जाएंगे जस्ट बिकॉज इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। देश भर में प्रचलित आप इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हो, इसके बारे में दिया गया। तो आप मार्क्स ले लेना और बेटर है कि आप जो प्रोटोकॉल पहले यूज़ करते थे वही करना है, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऐड की गई है, उसके बारे में ज़रूर देखिए। 1 और 2, इसमें बताया गया है कि कोई भी उत्तर पुस्तिका यानी कि आपको जो आंसर शीट दिया जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं दी जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि अतः परीक्षार्थी जो भी कैंडिडेट हैं वो हर एक लाइन को यूज़ करें, हर एक लाइन में लिखे कॉपी के, और पेपर को वेस्ट ना करें और खाली पन्ने जो हैं उसे ना छोड़े। एक्स्ट्रा आपको शीट नहीं दी जाएगी। 2, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका है ना उसको सावधानी पूर्वक लिखें, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से लिख देते हैं। मैं इसके लिखने के तरीके बारे में भी आपको पूरी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से ज़रूर देखना कि किस तरीके से फिलअप करना होता है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई आप क्रॉस चेन वगैरह ना करें, सिर्फ जो आपको पूछा गया है वही चीज़ आप करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ पे जो आपके जो टीचर है वो उनसे ज़रूर से ज़रूर आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि आप आईडी कार्ड के बारे में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास उनका खुद का आईडी कार्ड नहीं है, तो आप क्या करें, आपके पास अगर इग्नू के आईडी कार्ड नहीं है तो इसमें कहा गया है कि आप कोई भी केंद्र से मान्यता प्राप्त, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो हो और सिग्नेचर हो, और आपका QR कोड करके आपका जो बायोमेट्रिक होता है उसमें जो QR कोड यूज़ होता है, ऐसा कुछ हो तो आप उसे लेके जा सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि या फिर आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप अपनी वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके चलें एक्स्ट्रा, ताकि आपको अच्छा है। और नेक्स्ट अपडेट है आप सबके लिए कि एग्ज़ामिनेशन जो होगी तो उसे किस मीडियम में लिखना है, यानी कि कौन से भाषा में लिखना है। तो अपनी भाषा में तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज आपका पेपर कहता है उसी हिसाब से आपको लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको होगा क्या, यानी आप फेल कर दिए जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर आपको MCQ ऑप्शन में ही देखना होगा, OMR सीट में देना होगा, तो इसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बाकी क्वेश्चन पेपर में आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन 2 घंटे का है, 3 घंटे का, या फिर 1.5 घंटे का, तो ये ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर में आप चेक करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करो बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के लिए कि लास्ट टाइम में आपका एग्जामिनेशन कहीं बिगड़ ना जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।